नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 2.20 KGF और Maari2 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि KGF 0, 2.0 और Maari2 में से अब तक किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया और कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी फ्लॉप। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें Maari2 के बारे में, तो इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं धनुष और साई पल्लवी। ये फिल्म 2015 में आई मारी का सिक्वल है Maari2। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 10 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन किया था। वही दूसरे दिन इस फिल्म की कमाई रही थी लगभग 12 करोड़ रुपये। वही तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन Maari2 ने कमाया लगभग 13 करोड़ रुपये। वही चौथे दिन इस फिल्म की कमाई रही लगभग 8 करोड़ रुपये। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के जो पाँचवें दिन के कलेक्शन है अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 6 करोड़ के आसपास रह सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों जो Maari2 का 5 दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 49 करोड़, यानी 49 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें अगर शाहरुख खान के फिल्म 0 के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए पूरे 5 दिन हो चुके और फिल्म को रिलीज किया गया था लगभग 4380 स्क्रीन में। इतनी ज़्यादा स्क्रीन में रिलीज होने के बावजूद भी शाहरुख खान की फिल्म 0 ना तो अच्छी ओपनिंग ले पाई, ना ही साथ ही साथ इस फिल्म ने वीकेंड में कोई खास कमाल दिखाया। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें इस फिल्म के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो 0 ने अपने पहले दिन लगभग 20 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। वही दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 18 करोड़ रुपए। वही तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन संडे होने की वजह से इस फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला और इस फिल्म ने कमाया लगभग 19 करोड़ रुपए। वही दोस्तों बात करें 0 के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, चौथे दिन इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो लगभग रहा 9 करोड़ रुपए। वही बात करें पांचवें दिन के कलेक्शन की, तो जिस तरह से अभी तक की रिपोर्ट्स आई और जिस तरह इस फिल्म को एडवांस बुकिंग मिली है बुक माई शो पे, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि 0 अपने पांचवें दिन लगभग 7 करोड़ का कारोबार कर सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ 0 का जो 5 दिन का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो हो चुका है 76 करोड़, यानी 76 करोड़ रुपए। वही दोस्तों अगर बात करें सुपरस्टार रजनीकांत और सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर लगभग 28 दिन पूरे हो चुके हैं और यह फिल्म अभी भी कई थिएटर में चल रही है और इस फिल्म को अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को महीना भर होने में आ गया, उसके बावजूद भी इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो थोड़े बहुत आ ही जा रहे हैं और यह फिल्म अभी तक रन कर ही रही है। और एक तरह से देखा जाए तो शायद 2.0 यानी रोबोट 2 फर्स्ट जनवरी यानी नए साल 2019 तक भी चलती रहेगी तमिल और हिंदी दोनों वर्जन में थोड़े थोड़े स्क्रीन पे। अगर बात करें हम 2.0 के अब तक के वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी में लगभग 236 या 238 करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन किया है, जिसका एक्चुअल यानी नेट कलेक्शन होता है लगभग 193 करोड़ रुपये। वही बात करें अगर 2.0 के तमिल, तेलुगु, हिंदी और ओवरसीज के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 736 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया। और आपको बता दें दोस्तों 2.0 यानी रोबोट 2 सुपर डुपर हिट हो चुकी है हिंदी में भी और वर्ल्ड वाइड में भी। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रॉकिंग स्टार यश की फिल्म KGF के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर 5 दिन पूरे हो चुके हैं। ये एक कन्नाड़ा मूवी है जिसे तमिल, तेलुगु, मलयालम के साथ साथ हिंदी डब में रिलीज किया गया था। दोस्तों इस फिल्म को जो ऑक्यूपेंसी पहले दिन मिली थी हिंदी वर्जन में वो तो कम थी, लेकिन जैसे जैसे इस फिल्म के अच्छे रिव्यूज़ आए, जैसे लोगों को ये फिल्म पसंद आ रही है, उसके बाद इस फिल्म के कलेक्शन अच्छे आते जा रहे हैं हिंदी वर्जन में। हालांकि तमिल, तेलुगु और कन्नाड़ा में तो ये फिल्म पहले दिन से ही रॉकिंग कमाई कर रही थी। अगर बात करें इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यानी वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन के, तो इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 52 करोड़ रुपये का ग्रोस कलेक्शन किया था। वही दूसरे दिन इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन था लगभग 45 करोड़ रुपये। वही तीसरे दिन इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड लगभग 40 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन किया। वही बात करें चौथे दिन की, तो चौथे दिन इस फिल्म का ग्रोस कलेक्शन रहा लगभग 38 करोड़ रुपए। वही बात करें दोस्तों पांचवें दिन के, तो पांचवें दिन भी इस फिल्म की जो पकड़ है काफ़ी अच्छी बनी हुई और यह कहना गलत नहीं होगा कि पांचवें दिन भी इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास आ सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों जो KGF का
वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है वो हो चुका है लगभग 205 करोड़ रुपए। वही बात करें अगर केजीएफ के सिर्फ इंडियन कलेक्शन के बारे में, जी हाँ दोस्तों, अगर ये जो पहले बताइए ओवरस इसका ग्रोस कलेक्शन था, और अब अगर बात करें सिर्फ इंडिया के कलेक्शन की, तो इंडिया में इस फिल्म ने अपने पहले दिन लगभग 1819 करोड़ रुपये कमाए थे। वही दूसरे दिन इस फिल्म का जो कलेक्शन था इंडिया में वो था लगभग 19 करोड़ 30 लाख रुपये। वही दोस्तों बात करें तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन इस फिल्म ने इंडिया में लगभग 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। वही बात करें चौथे दिन की, तो चौथे दिन यानी मंडे को इस फिल्म ने इंडिया में कमाए लगभग 17 करोड़ रुपये। और बात करें दोस्तों अगर केजीएफ के इंडियन कलेक्शन यानी पाँचवें दिन के इंडियन कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने पाँचवें दिन इंडिया में अच्छी खासी पकड़ बना के रखी, और ये फिल्म अपने पाँचवें दिन इंडिया में कम से कम 15 करोड़ तक की कमाई बड़ी आसानी से कर सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ जो केजीएफ का टोटल कलेक्शन होता है इंडिया का वो हो चुका है 91 करोड़ यानी 91 करोड़ रुपये, और ओवरसीज का और वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन, जी हाँ दोस्तों ग्रोस कलेक्शन हो चुका है लगभग 205 करोड़ रुपये। आपको बता दें दोस्तों फिल्म 5 दिनों में ही सुपरहिट हो चुकी है, लेकिन देखना यह है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फाइनल कलेक्शन क्या करती है, 300 करोड़ या 400 करोड़। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है केजीएफ का फाइनल कलेक्शन कितना आ सकता है, 300 करोड़ या 400 करोड़, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि जीरो, रोबोट 2, केजीएफ और मारी 2 में आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।